अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आता है कि सर जो मंदिर वाला गियर बॉक्स है उसका जो डबल गियर है और बियरिंग है वो किस तरह से निकालते हैं, उसका एक वीडियो बनाइए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये गियर बॉक्स के अंदर से बहुत आवाज़ आ रहा था, इसके वजह से मैं इसको आज खोलने वाला हूँ। मैं तो इसको दो तरह से खोल सकते हो। एक तो बियरिंग खोलने के लिए पुलार लगता है, जो 62-1 वाला पुलार रहता है, उससे भी खोल सकते हो, या तो आप ठोक के भी खोल सकते हो। तो मैं आज आप लोगों को ठोक के खोल किस तरह से खोलते हैं वही दिखाएंगे आज, क्योंकि सबके पास 62-1 वाला बियरिंग पुलार नहीं रहता है। तो मैं आज ऐसे ही ठोक के इसको खोल के दिखाएंगे। तो इसके लिए ये जो बड़ा वाला जो बियरिंग लगा हुआ है, जो पिनियम है, उसको खोलना है सबसे पहले। इसके लिए जो चारों नाट है वो चारों नाट को खोलना है दोनों तरफ का। ये बाहर से चारों नाट को खोलते ही जो पिनियम है वो निकल जाएगा। इसका जो पिनियम है उसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आता है, इसका दिक्कत आता है सिर्फ डबल गियर और बियरिंग निकालने में। तो आज आप लोगों को इजी तरीके से किस तरह से आप डबल गियर और बियरिंग के निकाल सकते हो वही दिखाएंगे। तो देखिए इसका जो बियरिंग है, तो इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं कि सही है क्या। तो इसमें देखिए प्ले नहीं है और आवाज़ उतना नहीं है इसमें। अब इसका जो पिनियम है उसको भी एक बार देख लेते हैं कि इसमें कुछ दिक्कत है क्या। तो देखिए इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। तो अब डबल गियर को खोलना है और इसका जो बियरिंग है उसको खोलना है। तो इसको खोलने के लिए देखिए दोनों तरफ रबर लगा हुआ रहता है, उसका सील, पहले उस सील को निकालना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। इस वो जो सील लगा हुआ है उसको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे प्ले भी हो रहा है, जो डबल गियर है वो प्ले भी हो रहा है, तो उतना प्ले भी नहीं होना चाहिए। वहाँ पे एक वाशर दिया हुआ रहता है, तो इसमें लगता है वाशर घिस गया है इसके वजह से। तो देखिए यहाँ पे जो सील लगा हुआ है उसको निकाल देना है पहले, और उसके अंदर लॉक लगा हुआ रहता है। तो देखिए पहले एक बार खोला था, उस टाइम यहाँ पे जो रिस्पॉन्ड डाटा है वो दिया था, इसके वजह से थोड़ा टाइट लगा हुआ है। तो इसको इजीली खोलना है आराम से। तो इस तरफ भी एक है, तो इसको भी खोल लेना है। ये तीनों बियरिंग का नंबर है, 62-1 वाला बियरिंग है तीनों। तो चलिए ये भी खोल गया। अब देखिए अंदर तीनों का लॉक लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये लॉक को भी खोल लेना है। ये लॉक खोले बगैर जो डबल गियर है और बियरिंग है वो नहीं निकलेगा। तो आपके पास इस तरह से एक बोले तो नोज प्लस रहना चाहिए, या तो जो पड़ा हुआ है वैसा, दोनों में से कहीं भी एक रहना चाहिए। तो ये तीनों लॉक को तो खोल लिया, आप बियरिंग को खोलना है और जो अंदर डबल गियर है उसको भी खोलना है। तो बहुत सारे भाई लोग को यही पे दिक्कत आ जाता है कि किस तरह से खोलना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि एक तरफ पहले ठोक लेंगे थोड़ा सा, जो डबल गियर है उसमें थोड़ा सा मार के एक तरफ हल्का सा निकाल लेंगे। देखिए पहले एक तरफ से मार के थोड़ा सा एक तरफ निकल जाएगा उसका जो बियरिंग है वो। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा मार, इधर से मारने से उस तरफ जो बियरिंग है वो हल्का सा निकल जाएगा। और जब बियरिंग निकल जाता है तो आप वहाँ पे 62-1 वाला पुलर भी यूज़ कर सकते हो, या तो इस तरह से अंदर से ठोक के भी निकल सकते हो। तो देखिए एक तरफ का बियरिंग तो निकल गया, अब रह गया और एक तरफ का बियरिंग। तो इस तरह से फिर ठोक के बियरिंग को उस तरफ हल्का सा निकाल देना है, ठीक है। जब तक बियरिंग थोड़ा उधर नहीं जाएगा तब तक डबल गियर नहीं निकलेगा, ये आपको ध्यान में रखना। क्योंकि बियरिंग अंदर रहेगा तो डबल गियर उसी में अटका रहेगा, तो जो डबल गियर है वो नहीं निकलेगा। तो देखिए इस तरफ से भी निकल गया बियरिंग, अब डबल गियर इजीली निकल गया। तो इसी तरह से आपको निकालना है जो डबल गियर और बियरिंग है उसको। और आप लोग को देखा कि इसमें मैं जो बियरिंग पुलर है उसका यूज़ नहीं किए, हालांकि आप चाहे तो बियरिंग पुलर का भी यूज़ कर सकते हो इसमें, लेकिन यही मुझे जो ज़्यादा बोले तो इजी लगता है ठोक के निकालना, इसलिए मैं ज़्यादातर इसी में ऐसे ही निकालता हूँ। तो देखिए ये वाला बियरिंग भी सही है सब, देखिए ये जो बड़ा वाला बियरिंग है ये तो सही है, तो ये भी ठीक लगा। तो देखिए ये वाला बियरिंग से थोड़ा आवाज़ आ रहा है, इसको खोल के एक बार देखता हूँ, इसमें से थोड़ा ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, आप लोगों को देख के मालूम पड़ेगा। यही वाला बियरिंग से ज़्यादा आवाज़ आ रहा है,
तो मैं क्या करूँगा, एक बियरिंग अगर ख़राब रहेगा तो पूरा गियर बॉक्स से आवाज़ आएगा। इसके वजह से मैं पूरा जो छोटा वाला बियरिंग है 62 वाला, वो तीनों बियरिंग को ही मैं चेंज करने वाला हूँ। नहीं तो अगर एक बियरिंग थोड़ा सा भी प्ले या तो ख़राब रहेगा तो उसके वजह से ही पूरा गियर बॉक्स से आवाज़ आएगा। तो चलिए मैं नया वाला बियरिंग लगा लेता हूँ इसमें। तो जिस तरह से खोला था उसी तरह से लगाना है, थोड़ा सा हल्का बियरिंग को अंदर घुसा के फिर जो डबल गियर है उसको अंदर घुसाना है, उसके बाद आपका पूरा बियरिंग को घुसाना है, ठीक है। तो देखिए हल्का सा मैं पहले बियरिंग को घुसा लिया अंदर, ज़्यादा नहीं, एकदम ज़्यादा चला जाएगा तो जो डबल गियर है वो अंदर नहीं जाएगा। थोड़ा सा घुसा के फिर डबल गियर अंदर जाए उस तरह से थोड़ा सा घुसाना है। तो देखिए अब डबल गियर को उसमें डाल दिया, अब बियरिंग को थोड़ा सा ठोक के अंदर डाल देना है। इस तरह से करोगे तो इजी ये फिट हो जाता है। तो देखिए एक छूट गया यहाँ पे एक वाशर लगाना था, तो मेरे पास तो वाशर नहीं था, तो मैं एक प्लास्टिक को काट के वाशर बना लिया। अब उसी को मैं लगा दिया यहाँ पे, ताकि जो डबल गियर है वो जाके गियर बॉक्स के अंदर सटे नहीं और वहाँ घिसने से भी आवाज़ आता है। इसके वजह से मैं वाशर लगा दिया, और जो प्ले हो रहा था इस वाशर लगाने की वजह से वो प्ले भी नहीं होगा। तो देखिए उस तरफ का जो बियरिंग है वो अच्छी तरह से अंदर घुसा दिया, अब इधर का अच्छी तरह से घुसाना है। ये इजी है एकदम, आप लोग अगर हिम्मत करके खोल दोगे तो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है इसमें, ये एकदम ईजी है, खाली थोड़ा हिम्मत होना चाहिए बस खोलने के लिए। ये काम डरने वालों के लिए नहीं है, अगर डरोगे तो काम नहीं कर पाओगे। तो देखिए और थोड़ा जाएगा बियरिंग अंदर की तरफ, तो वहाँ पे लॉक भी लगेगा फिर। अब देखिए यहाँ पे प्ले भी नहीं है, वहाँ पे वाशर दे दिया तो वो टाइट हो गया, अब प्ले भी नहीं रहा यहाँ पे। प्ले होने से भी जो डबल गियर है इधर उधर भागता है, इसके वजह से भी थोड़ा बहुत आवाज़ आता है, तो उसको भी ख़त्म कर दिया मैं। अब इसका जो लॉक है उसको लगा दिया, अब इस साइड पर भी लॉक लगाना है, तो अंदर थोड़ा सा और भी ठोक के बियरिंग को ले जाना है। तो देखिए अब यहाँ पर भी इसका जो लॉक है उसको लगा देना है। इसमें सिर्फ डबल गियर और बियरिंग का ही काम है, बाकी दूसरा कुछ इसमें तकलीफ वाला काम है नहीं ऐसा डिफरेंशियल में। तो देखिए बियरिंग पुलर मेरे पास ही पड़ा हुआ है, हालांकि मैं उसको यूज़ कर सकता था लेकिन मैं किया नहीं आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि हर आदमी के पास बियरिंग पुलर नहीं रहता है, इसके वजह से मैं इसमें बियरिंग पुलर का यूज़ नहीं किया। मैं कभी कभी करता हूँ, कभी कभी नहीं करता हूँ बियरिंग पुलर का यूज़। तो जो लॉक है उसको ठोक के थोड़ा अच्छी तरह से बिठा दिया ताकि वो अपने जगह पे बैठ जाए। तो देखिए अब ज़रा सा भी प्ले नहीं है यहाँ पे, एकदम बोले तो आराम से बैठ गया है, ज़रा सा भी प्ले नहीं है, इधर उधर ज़रा सा भी नहीं जा रहा है। देखिए पहले कितना इधर उधर हो रहा था, अभी इधर उधर नहीं हो रहा है। तो अब हमको जो डबल गियर है उसको भी लगाना है, और जो मोटर का शाफ्ट आके जहाँ पे लगता है वहाँ भी एक बियरिंग लगता है, तो उसको भी लगाना है। तो चलिए इसको पहले लगा लेता हूँ, उसके बाद डबल गियर को लगाएंगे, सॉरी जो पिनिया में उसको लगाएंगे। तो अब इसका भी लॉक को लगा देता हूँ। तो जो लोग ई रिक्शा रिपेयरिंग का काम करना चाहते हो या नया सीख रहे हो, वो लोग के लिए मेरे चैनल में 200 से ज़्यादा वीडियो दिया हुआ है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, तो आप लोगों को दूसरा कोई भी वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं होगा, और आप लोगों को कमेंट पे भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कोई भी चीज़ के लिए, क्योंकि हर तरह का वीडियो दिया हुआ है मेरे चैनल में आप लोगों के लिए ही। और आप लोगों को अगर ई रिक्शा का सामान जैसे डिवाइस वगैरह चाहिए, पुलर वगैरह चाहिए, तो मुझसे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो, ऊपर दिए गए नंबर पर मेरा व्हाट्सअप चलता है, उसी में आप कांटेक्ट करके वो वाला सामान ले सकते हो, जिसमें मैं ई रिक्शा का डिवाइस जो चेकिंग डिवाइस होता है वो सेल करता हूँ, और ड्राम पुलर वगैरह ये सब सेल करता हूँ। तो अगर चाहिए आप लोगों को तो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे जाके व्हाट्सएप के ऊपर के साइड पे एक घर का लोगो दिखेगा, उस पर ओके करोगे तो आपको पूरा सामान भी दिखेगा, वहाँ पर रेट भी लिखा हुआ है उसका। और मेरा जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये वाला डिवाइस का अगर चाहिए आपको, तो इसमें कुछ दिन का वारंटी भी मिलता है, तो अगर आपको चाहिए तो वहाँ से कांटेक्ट करके जाके ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीसिंग कर दिया मैं,
ताकि इसके अंदर थोड़ा सा भी ग्रीसिंग नहीं था, ग्रीस बोले तो पूरा ख़त्म हो गया था। हालांकि जब नया पिनियम आप लगाओगे उस टाइम यहाँ पे ग्रीसिंग किया हुआ रहता है, बहुत सारा ग्रीसिंग अंदर रहता है, तो चलते चलते गाड़ी वो सब ग्रीसिंग ख़त्म हो जाता है। तो मैं फिर से यहाँ पे डाल दिया, आप बियरिंग को भी लगा दे रहा हूँ इसमें। अब फिटिंग करके आप लोगों को बाहर ही चला के एक बार दिखाएंगे कि आवाज़ सही है क्या। तो चलिए इसको मैं फिटिंग कर ले रहा हूँ। अब इसका जो चारों नट है दोनों तरफ का, उसको भी लगा देना है। तो आप लोगों के लिए इतना अच्छा अच्छा वीडियो लाता हूँ मैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ओके कर दीजिए, ताकि मैं जब भी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो इसका जो पिनियम है उसको भी सेटिंग कर लिया। आप बाहर ही एक बार मोटर को फिटिंग करके देखेंगे कि आवाज़ से जो जितना आवाज़ था इसमें वो फिर से आ रहा है कि वो आवाज़ ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें जो बियरिंग था उसके वजह से ही आवाज़ आ रहा था ज़्यादा, तो उसको तो मैं चेंज कर दिया बियरिंग को। अब देखते हैं एक बार आवाज़ कैसा है। तो आप लोग जो कमेंट करते थे वो लोग के लिए ये वाला वीडियो स्पेशल बनाया मैं। ऐसा डिफेंशियल का काम तो बहुत आता है, लेकिन कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं रहता है, इसके वजह से मैं हर टाइम वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो आज कैमरा पकड़ने के लिए था एक आदमी, इसके वजह से मैं उसको कैमरा देके वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए इसका जो सील है उसको भी लगा दिया। यहाँ पे थोड़ा आप चाहे तो रिस्बॉन डाटा भी लगा सकते हो, ताकि वहाँ से जो लीकेज हो ऑयल का वो ना हो। और यहाँ पे देखिए मैं मोटर को बाहर ही एक बार लगा के देख लेता हूँ, ताकि अंदर लगाने के बाद कोई दिक्कत ना आए। अगर आवाज़ आएगा तो यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी में देख के आपको मालूम पड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं देख ले रहा हूँ, तो आवाज़ अभी तो नहीं है फ़िलहाल। तो इसको अब मैं फिटिंग करने वाला हूँ गाड़ी में, देखिए आवाज़ नहीं है अभी। तो मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटे का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और मेरे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आप लोग अगर ई रिक्शा रिपेयरिंग का काम करते हो और आप लोगों का अगर ई रिक्शा टेस्टिंग डिवाइस चाहिए तो मुझसे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो, ऊपर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके मुझसे ले सकते हो। मेरा दूसरा कोई भी नंबर नहीं है, एक ही नंबर है मेरा, ऊपर दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है वही मेरा नंबर है और उसी नंबर पे मेरा व्हाट्सअप है। तो उस पर आपको कांटेक्ट करना है, व्हाट्सअप के ऊपर में एक घर का लोगो है, उसमें आपको सामान भी दिखेगा और वहाँ पे रेट भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से जाके कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। और ये वाला सामान लेने के लिए आपको पैसा पहले पे करना पड़ेगा, इसी नंबर पर मेरा फ़ोनपे है उस पर, और एड्रेस उसी व्हाट्सएप पे आपको देना है, तो ये माल बाय पोस्ट आपका घर चला जाएगा। थैंक्स फॉर वॉच।